तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ओजा 2 जोन PA एम्पलीफायर BTZ 10,000 का प्राइस जानेंगे। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जानेंगे, यहाँ पर कितना लोड डालेंगे, क्या क्या बहुत सारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं DJRock चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों ओजा का 2 जोन PA एम्पलीफायर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर चैनल ए चैनल बी में दोनों का गेन मिल जाता है। BTZ 10,000 का यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाता है। ओजा का ब्रांडिंग, लोगो, पावर ऑन ऑफ का स्विच, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आपको आगे देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। वीडियो में मैं आपको पकाने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। चलिए आप बात करते हैं मुद्दे पे कि इसमें कितना लोड डालेंगे, इसका प्राइस कितना होगा और इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर ओजा का जो है, ओजा का BTZ 10,000 यहाँ पर आपका मॉडल नंबर हो जाता है। यहाँ पर 1000 वाट का एम्पलीफायर बन जाता है, जो कि 500 वाट का RMS पावर एक चैनल में और 500 वाट का RMS आउटपुट एक चैनल में आपको मिल जाता है। 500 वाट प्लस 500 वाट, मतलब कि 1000 वाट का एम्पलीफायर आपका बन जाता है। यहाँ पर चलिए इसके मैक्सिमम, मतलब कि और आगे, मतलब कितना लोड डाल सकते हैं। यहाँ पर 750 वाट का लोड डाल सकते हैं एक चैनल में और 750 वाट का लोड डाल सकते हैं एक चैनल में। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1500 वाट टोटली हम इसमें लोड डाल सकते हैं। और भी आगे चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि क्या क्या हम इसमें फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें हम 4 ओम और 8 ओम का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है और 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का यहाँ पर आपको मिल जाएगा हॉर्न यूनिट चलाने के लिए। और यहाँ पर स्पीकर चलाने के लिए 4 ओम और 8 ओम का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 ओम अवेलेबल नहीं दिया, मतलब कि 2 ओम का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर AC करंट में अगर आपको चलाना हो तो यहाँ पर 220 से लेकर 240 वोल्ट तक आप यहाँ पर चला सकते हैं, जो कि 50 या 60 हर्ट्ज में आप चला सकते हैं। अगर DC के बारे में बात करें, मतलब बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर 36 वोल्ट आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कार बैटरी जो होता है वो आपको 3 बैटरी आपको लगाना पड़ेगा, 12 वोल्ट का 3 बैटरी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपको AC आपको कितना, मतलब कि कितना लोड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1600 वाट लगभग करीबन आपको देना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर वेट जो होता है एम्पलीफायर का, 40 kg आपको वेट यहाँ पर उठाना पड़ेगा। अब चलिए मतलब बात कर लेते हैं कि स्पीकर कितना वाटेज का लगाएंगे, बेस या फिर टॉप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले बात कर लेते हैं बेस से। तो यहाँ पर बेस अगर आपको चलाना हो तो यहाँ पर 600 वाट का यहाँ पर बेस आप यूज़ कर सकते हैं एक चैनल में, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर दूसरे चैनल में अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर टॉप भी चला सकते हैं, मतलब कि एक चैनल में बेस, एक चैनल में टॉप चला सकते हैं। यहाँ पर आप चलिए बात कर लेते हैं कि दोनों चैनल में बेस चला, तो सिंपली इजीली 600 प्लस 600 वाट का 2 बेस चलाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है पर चैनल। 600 वाट का 1 बेस, 600 वाट का 1 बेस एक एक चैनल में। अब चलिए बात करते हैं टॉप के बारे में। तो यहाँ पर 500 वाट का RMS मिल जाता है और यहाँ पर 750 वाट का मैक्सिमम मिल जाता है। तो यहाँ पर 750 वाट का यहाँ पर पेयर चला सकते हैं, एक पेयर एक चैनल में और 750 वाट का एक पेयर एक चैनल में, जो कि 4 ओम लोड हमारा हो जाता है। अब यहाँ हम बात करें कि हॉर्न अगर हमें चलाना हो तो हम कितना चला सकते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपके पास 50 वाट का यहाँ पर यूनिट है, अगर आप उसको 50 वाट में यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर एक चैनल में 10 यूनिट आप चला सकते हो। मतलब कि टोटल बात करें तो 10 यूनिट एक चैनल में और 10 यूनिट एक चैनल में, मतलब कि 20 हॉर्न आप चला सकते हो, जो कि 50 वाट का। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपके हॉर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना वाटेज बन जाता है। प्राइस हो जाता है 38,000 लगभग अप्रोक्स प्राइस। कमेंट में मत बोलना कि हमारे यहाँ 35,000 में मिलता है या फिर 34,000 में मिलता है या फिर 36,000 में मिलता है या फिर 37,000 में मिलता है। यहाँ पर प्राइस जो है काफ़ी डिफरेंस हो सकता है आपके मार्केट के हिसाब से। हमारे मार्केट का प्राइस मैं आपको बताऊँ तो लगभग इसका प्राइस जो है लगभग सेम ही है, 37,000 या फिर लगभग उतना ही है। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 38,000 का यहाँ पर प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में अभी तक नया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो में कमेंट जरूर करिए नीचे जाके, आप कमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो इस चैनल के लिए वो जरूर जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।